समझा ले, ब्लॉग बना रही है मैं, देख लो मैंने। नहीं आरिश सच से बता दूंगा सर। कुछ भी होता है क्या वो? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। इसकी रेसिपी जो है आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा, राजमा राइस हम बनाने जा रहे हैं, तो उसकी पूरी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। और अभी जो है पहले चलते हैं गैलरी में, तो चलिए चलते हैं बालकनी में। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूँ पूरा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ बाहर। जैसे कि आपको पता है कि दो दूसरे ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं गया था बाहर, तो ये मैडम मुझसे हो गई थी नाराज, बट मैं आज लेके जा रहा हूँ इजाजत क्योंकि मेरा काम है, मुझे बाहर जाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक हमारे साथ बने रहे, प्यार देते रहे, तब तक बाय बाय। बाहर जा रहे हैं, बाय। फरमाइश तो मैं करता ही हूँ। आ चुकी हूँ बालकनी में और यहाँ पर किसी कोई लाउड म्यूजिक में सॉन्ग्स चला रहे हैं, और ये रिश्ते आपके कपड़े जो मैंने हासिल हुए सारे कपड़े फैल चुके हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपके किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा राइस, तो उसकी पूरी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी कि राजमा राइस हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना और रेसिपी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डालकर उसे गरम कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे हम ज़ीरा और प्याज डालेंगे, फिर डालेंगे उसके अंदर हम टमाटर, उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसको अच्छी तरीके से हम भूनते रहेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक हमारे टमाटर गल ना जाएं। देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं, अब इसको हम निकाल देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे क्योंकि इसे हम करेंगे मिक्सी में ग्राइंडर। तो हमने प्याज टमाटर ठंडा करके इसे ग्राइंडर कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारी प्योरी रेडी हो गई है। फिर से ऑयल गरम करेंगे दोबारा से, इसमें डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च और हमने जो ये प्योरी ली थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, नमक और हल्दी, उसको भी इसके अंदर डालकर अच्छे से भूनेंगे। फिर डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे जब तक ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए, जब तक इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है। तो देखिए जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसके अंदर हमने डाल दिया हरी मिर्च, उसके बाद भी हम इसको अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। तो हमारे जो राजमा है वो बॉईल हो चुके हैं, इसमें हमने नमक और सोडा डाला था तो ये अच्छे से बॉईल हो गए, और अब जो हमने ये ग्रेवी बनाई है वो डाल देंगे हम इसके अंदर और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारे जो राजमा है वो प्रॉपर से रेडी हो चुके हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम बनाएंगे बॉइल्ड राइस, तो उसके लिए हमने सबसे पहले कुकर लेना है, उसके अंदर हमने डालना है ऑयल, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, प्याज डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने अनुसार ले सकते हैं, फिर डालेंगे इसके अंदर लहसुन का पेस्ट और लास्ट में राइस डाल के पानी डाल के इसमें सीटी लगा लेंगे। चावल भी बॉईल हो चुके हैं और राजमा भी, तो चलिए अभी ने टेस्ट कराते हैं भाजी को। राजमा बन चुके हैं और जस्ट मैं अभी शेल का वेट कर रही हूँ, जैसे ही शेल आ जाएंगे उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, तो जैसे ही बाजेंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं। और बाजी ने तो खाना खा लिया, पापा ने भी खा लिया, बस शेल और मैं बचे। आप घर आ चुके हैं और अभी मैं शेल का क्योंकि वेट कर रही थी, मैंने खाना नहीं खाया है, तो अब मैं इनके साथ ही खाना खाऊंगी। और मुझे नहीं पता जैद भाई क्यों हंस रहे हैं। अच्छा ओहो बेटे, ये पहले खाना खा के बैठी है मेरे साथ, वो भी मैं नीचे गद्दे बैठा तो बेड पे बैठी थी। नहीं मैंने वो बस जरा सा टेस्ट किया, जरा पूरी प्लेट चावल खाए, राजमे की पूरी प्लेट साफ कर दी इन्होंने। नहीं मैंने शेल का वेट किया, ये झूठ बोल रही है, सफेद झूठ, अगली बार जब वीडियो बना लिया करो। तो मैंने हाँ मैंने थोड़ा सा ही पूरा तो मैंने थोड़े से ही राइस खाए थे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं वेट नहीं कर पा रही थी शेल का, और शेल को मैंने कॉल किया था तो शेल ने मुझसे बोला कि मैं लेट हो जाऊंगा आते आते, इस वजह से मैंने खाना खा लिया था, बट अभी भी मैं खाऊंगी शेल के साथ, मैंने आधा पेट खाया था और आधा पेट अब शेल के साथ खाऊंगी। ये जनाब जस्ट अभी आए थे घर पे और मैंने इन्हें अभी खाना दिया और मैं भी खा रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था और बाकी का खाना मैं इनके साथ खाऊंगी। अचार नहीं है दूसरा? हाँ है, अचार लो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, तो ये देखिए टाइम हो रहा है 6:20 और मेरी आंख खुल गई है, तो हम चलते किचन के अंदर
ये देखिए मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, इसकी शक्ल देखो, सोई नहीं है पूरी रात, ये देखो ये सोई नहीं है पूरी रात, नहीं सोई है ये पूरी रात नहीं सोई। हम चलते हैं किचन के अंदर, मुझे लग रही है भूख, तो हम बनाते हैं कुछ नई सी चीज। तेरे लिए क्यों बना देना भाई, तो सो जाके तुम, मैं अपने भी फोन उठाऊंगा गाइस, क्योंकि ये सोएगी नहीं, मेरे फोन यूज करने लगेगी। मैंने अपने फोन ले लिए हैं दोनों, अब चलेंगे हम बाहर आराम से। तो आज हम ये बनाने वाले हैं, मुझे कंफ्यूजिंग होती है कि इसको क्या कहते हैं, चने कहते हैं या छोले कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए पहले लेंगे प्याज, लाल मिर्च, टमाटर और मिर्च। हम इसको जिस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से उसमें बीच में कट लगा लें ऐसे। तो हमारी चीजें सारी कट हो चुकी हैं, देखिए छोटी छोटी जिस तरीके से मैंने काटी, आप भी इस तरीके से काटना। के साथ रख देते हैं चाय बनने के लिए, चाय भी पियेंगे साथ में और ये भी खाएंगे। तो हमने चाय भी रख दी बनने के लिए, देखिए इसकी शक्ल देखिए, ये उठ के आ गई, पता नहीं क्या चाह रही है सुबह सुबह। क्यों आई हो भाई, उठ गए, अपना फोन लेने, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, चलो यहाँ को रख दो, इसमें बदतमीज मत करो, जाके लेट हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत, बनाने दो यार, ले जाओ तो अपना फोन, जा रही हूँ। हम डालेंगे अब ये ऑयल, लेने का जीरा डालने का, ये डालेंगे, ये लेंगे ज्यादा नहीं, ऑयल में धनिया नहीं डलेगा इसमें, तुम चुप रहोगी, तुम्हें खाने हैं या नहीं खाने, ज्यादा इतना हो मत शेल प्लीज, धनिया वो नहीं डलता छोलों में, छोले नहीं है वो, छोले किन्ने कह दिया छोले, तो क्या ही है फिर, मैं भी इतनी देर से इसी चीज में कंफ्यूज था कि छोले ही, शेल मत डालो, धनिया नहीं डलता, अरे भाई कुछ नहीं हो रहा, टेस्ट कहाँ से खराब होगा, बनने तो दो पहले, ऐसे छोले बिल्कुल मत बनाना, ठीक है, बिल्कुल इसकी बात को बिल्कुल मत मानना, क्योंकि आपको तो पता ही है खाना कैसा बनाती है। चीजें जो मैंने आपको दिखाई थी, सिर्फ इतनी सी चटनी डालनी है आपने, सिर्फ जरा सी, इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक इनके ये अजीबोगरीब छोले जो हैं ये इन्हीं को ही मुबारक, मैं तो जा रही हूँ सोने, बाय। देख सकते हैं इनके, इनका नाश्ता हो रहा है, और ये देखिए हमारे जलील शहर भी आ चुके हैं। मैं लेके आया हूँ आप, मैं इसी में ध्यान पूछ के लेके आया हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें लेके आया तो फैलते हो, कुछ फायदा नहीं, क्या हो जाते, फैलते खामो खाई में फैलते, तो इसमें इसका फोटो ले लो, ले लिया, तो ये जनाब जो लेकर आए, मैं आज मेरा हाथ जल गया था, आप लोग देख सकते हैं किचन में काम, देखो मेरा सब दिखा दे, गाई मेरा हाथ जल गया, गाई अब मेरे ये गाई मेरे को ठंडा रही हो, मैं कौन ठंड रही हूँ, ज्यादा एक्शन नहीं सर, तो आप देख सकते हैं मेरा हाथ जल गया था, बिचारी मैं छोटी सी किचन में काम करती हूँ, मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझसे पराठे बनवाते हैं, इस वजह से मेरा हाथ जल गया। आज लाओ शेल टेस्ट कराना, मैं टेस्ट करके फीडबैक तो दूं आपने क्या बनाया है, इसमें तो धनिया और चटनी पटनी, अल्लाह की कसम तुम्हारा भी टेस्ट करो, तुम्हारा सपना है आरिश, तू कर पहले, पहले कर आरिश, चबा गरम थे ना, गरम थे, चबा बाद में ना, एक टेस्ट आएगा बाद वाला, देखना मकसद जो आता है, चुप तो हो जाओ आरिश, आरिश क्यों कहेगा कि बुरे बने, मैं आरिश सच से बता रहा हूं, ऐसे सही है, अच्छा वाला ठीक है। कुछ भी आता है क्या वो लिए जो आपने छोलों का और मसाले का नाश करा है ना, ये सिर्फ तू मजे ले रही है, कसम खुदा की, ये देख तेरे बोल घूम रही है जैसे चम्मच चलाने नहीं आता, मैं अब तो खाना बनाने लगी किचन में और अच्छा बनाती, खान मुगलों का टाइम से खाना बना रहा है, इसको खिलाया शब्द नहीं आ रहे, घर से बना दो बस क्या
अच्छे लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि छोले में मजाक कर रही थी, सीरियसली बहुत अच्छे बने, टेस्टी बने और यमी बने। मैं तो इनको इंजॉय करके खाने वाली हूँ। हम सब मजाक कर रहे थे, शेल से मजे ले रहे थे, वाकई में टेस्टी बने छोले। तो हमारी कचौरियाँ आ चुकी हैं। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी बज रहे सुबह के 8 और ये जनाब जो है बस अब रेडी होकर जाएंगे काम से बाहर। और मैं जो हूँ मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मैं तो सो रही हूँ क्योंकि अभी कोई भी नहीं उठाएगा। मैं पापा भी उठे थे जस्ट अभी, तो उनको मैंने पूछा नाश्ते के लिए, उन्होंने कहा नहीं अभी उनको नाश्ता नहीं करना। तो मैं तो अभी सो रही हूँ, ये जा रहे बाहर काम से, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। जाले ब्लॉग बना रही है मेरे, देख लो। हाँ मेरी खजूर का पेड़ दिखा रही। तो है गाइस, मेरे सर में बहुत डैंड्रफ हो रहा था, मैं ऐसे करके जा रहा था, मैंने तेल लगवा, कैसे लग रहा है मेरे खजूर का पेड़, किसी को खानी, किसी को खानी, बस खजूर नहीं खाया तो खा सकते हो फिर भी। वो बचपन में मम्मी नहीं मानती थी, छोटे से छोटे बच्चा जान के ना कोई आंख दिखा रहा है। तो बचपन में जो मम्मी पोर्टल नहीं बनती छोटी सी यहाँ पर ऐसे करके वैसे लग रहा है चैंटी की आंटी ने खड़े में साइड में और उठी मैं बहुत लेट और उसके बाद हमारे घर की लाइट चली गई थी तो हम लोग व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे। और शेल अभी भी बाहर है, शेल लेट नाइट आएंगे। अभी मैं अपनी अलमारी क्लीन करूंगी, दिनों से फ्री नहीं थी इस वजह से मैं अलमारी क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो चलिए अब जल्दी से ना अलमारी क्लीन करते हैं। तो आज जो है मैं अपनी अलमारी के कपड़े जो है वो तय करके रख रही हूँ। देखो इसका राज खराब हो रहा है, कहाँ जा रही हो? हर हफ्ते देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो रहे हैं, वो खजूर का पेड़ था मैंने खोल दिया। देखो इसका राज ये है, हर हफ्ते सही करती हूँ कपड़े और हर हफ्ते बिगाड़ती हैं, बस यही राज है। ये हर हफ्ते अलमारी खोल के कपड़े तय करने बैठ जाती है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों इतने सारे कपड़े हो जाते हैं हर हफ्ते। तुम पता क्या करती हो, तय हुए हुए कपड़े निकालती हो, जो गिरते हो ना ऐसे घुसड़ देती हो। ये है अलमारी खराब करने का राज। तो अभी जो है मैंने अपनी अलमारी पूरी क्लीन कर ली और अभी ये इन जनाब के कपड़े बहुत सारे जो मुझे क्लीन करने, लेकिन उसी बीच में मुझे भूख लगने लगी है। और आपको पता है जब मुझे भूख लगती है तो मुझे कुछ खाना ही होता है और खाने से पहले मैं कुछ नहीं करती। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बेचारे बच्चे को रात का 1:30 बजे बाहर भेजा, जब उठा के ले जाओ मुझे हमारे हमारे घर के बाहर ही है तेल वाली, घर के बाहर वाले से लाओ, पल्ले मोहल्ले से लाओ। मुझे क्या पता तुम लाओ, मुझे लगा यही वाले यहाँ पे भी तो खुलती। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ। बच्चों को उठा के ले जाए, गिरे 2-3 लाख रुपए निकाल के बेच देते। और वैसे जवान किडनी और सब क्या पूछते, किसके किसके काम से गए थे, मैं तो चुप हो जाती कि मेरे काम से नहीं मंगाइए। मैं मैगी बना रही हूँ और मैं बनाऊंगी आज कोल्ड कॉफी, क्योंकि गर्मी है तो मेरा मन हॉट कॉफी का नहीं हो रहा है, तो मैं बटर वाली कोल्ड कॉफी बनाने वाली हूँ जैद और अपने लिए। तो इधर मेरी मैगी बन रही है और इधर बन रही है कॉफी। तो कॉफी बन चुकी है और बाजी और पापा को कॉफी दे देते हैं, वो लोग मैगी नहीं खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, तो कॉफ़ी बन चुकी है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बटर। अभी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी आइस पाउडर और फिर डालेंगे हम थोड़ी सी आइस। तो हमारी मैगी हो चुकी है रेडी, तो अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ कि ये कैसी बनी। अच्छी बनी। तो जैद और मैंने मैगी खा ली और अब जो है शेल के बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि उनके कैसे कैसे लेयर बाय लेयर लगाने हैं कपड़े। तो चलिए अभी कपड़े तय करते हैं।
फाइनली रूम क्लीन भी हो गया, अलमारी भी क्लीन हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब, और अब मुझे रेस्ट चाहिए। रेस्टिंग सा कर लूँ, सीरीज़ देख लूँ। तो मैं पूरा स्पीकर लेके आई हूँ और रूम में बैठकर अब आराम से सीरीज़ देखूँगी या कोई मूवी देखूँगी, मन कर रहा है। आज के ब्लॉग में पता नहीं जलील शायर की शायरी होगी या नहीं, वो क्योंकि वो अपने घर पर गए हुए हैं। वो आएंगे तो उनकी शायरी हो जाएगी, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, देखता। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।